जैसा कि आप जानते हैं डेंगू मच्छर कारण भारत में रहने की मांग, पत्रकार लौड़ा सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। उनका कहना है कि डेंगू तैयार हो गए इंटरव्यू देने के लिए। चलिए जानते हैं क्या है उनकी शर्तें, क्या है उनकी मांग, एक बार इस वीडियो में नजर डालें। मैं उन कदमों को उलट देता जो हमें यहाँ तक लाए थे। अब सब कुछ बदल चुका था। तुम्हारे सऊदी के दोस्त अल बिस्तियाक बिन महूदी बिन सऊदी, फलाना ढिमकाना जो भी, मिलो इनसे। बीवी जी नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। बीवी जी आज भी बचपन जैसी बावली गांड दिखती थी, मेरे दोस्त मिलती मुझे। ए बाप बावली गांडी, अपना कुछ हिसाब निकलती तुझे फौरन लगाती। दस लाख निकलना है, फौरन दे देती मेरे दस के दस अभी के अभी। मेरे निकलना है तुम पे 10 लाख। मैं अभी बाहर से अपनी दाढ़ों में सोने का बिस्कुट अटका हुआ निकाल के आती, तुझसे अभी बात करती। जिस दुनिया को मैं जानता था वो हर गुजरते दिन के साथ और भी दूर खिसकती जा रही है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप जानते हैं आप जुड़ चुके हैं पत्रकार लौड़ा सिंह से, हम जुड़ चुके हैं मच्छरों के मच्छर सबसे महान मच्छर सबसे जादू मच्छर डेंगू जी से। इन्होंने की है भारत में रहने की मांग, आपको क्या लगता है भारत में रहने की अनुमति देंगे डॉक्टर लोग? हम भी इनसे पूछते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए आपको भारत में रहने की अनुमति देंगे डॉक्टर लोग? क्या डॉक्टरों का बाप का है भारत, और कौन होते डॉक्टर बाहर से निकालने वाले? लौड़ा सिंह डॉक्टर को बोल झूला झूल, मगर बाप को ना भूल, कीड़ा मकोड़ा समझा बहन के लौड़ों ने। हमें मतलब गंदगी से, कूड़ों से, नाली से, नालों से, जानवरों से, मरे हुए सड़ो ही हुए, और हाँ जब तक मनुष्य रहेंगे तब तक हमें भारत से क्या पूरी दुनिया से निकालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जैसा कि आपने बोला आपको कोई पूरी दुनिया से नहीं निकाल सकता, तो आपने भारत में रहने की क्यों की मांग? भारत में रहने की मांग किसी से डर के नहीं की, हमारे पहले के बुजुर्ग दादा परदादा सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी और भी महान बिरुआ खून पी पी के अपनी जान सी मिट्टी में त्याग दी। हमें भारत में रहने का अधिकार है जितना तुम्हारा। जैसा कि आपने इससे पहले बोला कि जब तक मनुष्य रहेंगे तब तक आप रहेंगे, इससे इसका क्या तात्पर्य है? जब तक मनुष्य रहेंगे तब तक गंदगी रहेगी, जब तक गंदगी रहेगी तब तक हम रहेंगे। बस बहन चुत मुझे ठंड लग रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे बहुत सड़ी के इंटरव्यू तो पूरा करा जा, मुझे ठंड लग रही है, लंड की ठंड लग रही है, इतनी गर्मी हो रही है। मुझे बिजनेस घर की एक सेना तैयार करनी है, और तुम लोगों की बीमारी नई से नई लाके मैं बर्बाद करना, मैं जा रहा हूँ। तू क्या कुछ और मुझे नहीं रोक सकता बस। अरे इंटरव्यू इंटरव्यू अरे 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 आप कहाँ जा रहे हैं? जैसे दोस्त उंगली करते हैं ना, वैसे मैं सब्सक्राइब बटन पे भी उंगली करते हैं। अरे कौन है ये? मैं पत्रकार लौड़ा सिंह, जैसा कि आप जानते हैं ये आधा इंटरव्यू देख पा के आज से पकड़ते हैं। अरे मारे इससे